हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। यूपी पीसीएस 2024 फर्स्ट बार है आपका, या आप दे चुके और आपका यूपी पीसीएस प्री क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए एक मिरेकल की तरह साबित होगा। ध्यान से फोकस के साथ समझे देखें और नोट भी कर लें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करना, बेसिक। और बेसिक कैसे क्लियर करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 11th और 12th भूगोल की और इतिहास की, और ये 12th वाली राजनीतिक जो आपकी पॉलिटिकल बुक है वो, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। तो आपको यहाँ से अपना बेसिक क्लियर कर लेना है। साइंस के लिए 12th क्लास की एनसीईआरटी, और ये मिलेगी कहाँ, ये मिलेगी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जाएं और देखें, ग्रुप में मिलेगी फाइल्स में जाकर, ठीक है। तो अब बताते हैं आपको और क्या करना है, अभी और ध्यान से जाना, स्किप मत करना, इधर सुनो। आपको 1991 से 2023 तक के आपको पेपर लगाने, और ये पेपर कहाँ मिलेंगे, तो आपको इसी डिस्क्रिप्शन में यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग सम्मिलित राज्य प्रभार अर्जनी सेवा, ये IAS AR 49 डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह के द्वारा लिखी गई बुक है, अद्यावर सोल्ड पेपर है। इससे आप जब करोगे इसको, तो आपके दिमाग में सारे पुराने पेपर साथ में उनका एक्सप्लेन भी छप जाएगा। और अगर आपको ये बुक नहीं मिलती है, तो आप पढ़ना चक्र की बुक ले लें, या फिर आपको ये भी नहीं मिल रही है तो शिल्पी प्रकाशन की ले लें, शिल्पी पब्लिकेशन की, और ये भी नहीं मिल रही तो आप फिर यूथ की ले लें, यूथ पब्लिकेशन। किसकी लेना आपको, फिर यूथ पब्लिकेशन की ले लेना, यूथ पब्लिकेशन की, या फिर शिल्पी की ले लो, पर ले लो ज़रूर। अगर आपको एक भी नहीं ले पड़ रही है आपको, तो फिर आप यूपी पीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर सारे पेपर डाउनलोड कर लें और समझें। या फिर एक काम करो, आप टेलीग्राम पर चले जाओ, वहाँ पर हम पीडीएफ दे देंगे। या फिर ये भी नहीं हो रहा तो आपको यहाँ पर डेली डेली इसी चैनल पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी, तो वहाँ से आज ही आप स्टार्ट कर दो कि आपको 1991 से 2023 तक के सारे पेपर देख लेना। और ये नहीं GS1 का ही नहीं, आपको CSET का भी देख लेना, CSET का भी देख लेना दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, CSET का भी देख लेना। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको स्टैंडर्ड बुक देखनी है। स्टैंडर्ड बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साथ में आपको करंट साइंस की भी करना है। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए चक्र ई दृष्टि की आंख वाली जो आती है वो आपको ले लेनी है साथ में। अगर इससे नहीं हो पा रहा तो फिर अपना एक घटना सार का भी ले लो, घटना सार का भी ले लो। अब ये एक बात तो आपको याद रखना, आप तो ये कहोगे कि ये तो पुराने हो गए पेपर, अब छपेगा, 2 महीने पहले ही छपता है पेपर, ये बात और याद रख लेना। ये कोई नहीं बताता कि पेपर जो एग्ज़ाम का होता है वो 2 महीने पहले छप जाता, मतलब कि पेपर जुलाई में होगा तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ये पेपर है वो जून मई में छपेगा आपका, मई मई वगैरह में ये पेपर आपका छपेगा। तो ये जो घटना चक्र ई दृष्टि का, ये आपका चला जाएगा फालतू का। तो अब आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी, एक बात याद रख लेना, जो घटना चक्र की मैंने बताई है आपको, और घटना चक्र ई दृष्टि वाली बहुत ज़रूर पढ़ लें आप, ठीक है। और उसके साथ आपको मैगजीन मिलेगी यहाँ पर, जो मंथली मैगजीन होती है, मंथली मैगजीन होती है ई दृष्टि की, वो आप DIAS की ले लो, ठीक है, मंथली आती है DIAS की, और BGN IAS की हिंदी में, तो वो आप ले सकते हो, आ सकता है इसमें। मार्च का करंट अफेयर्स आ सकता है, तो मार्च के करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, तो मार्च के करंट अफेयर्स के लिए आपको एक मंथली मैगजीन होगी, उसको पढ़ लेना। वो कौन सी मैगजीन होगी, तो आप BGN IAS की ले सकते हैं हिंदी में, BGN IAS की, ठीक है। BGN IAS की नहीं मिले तो DRISHTI IAS की ले लो, ठीक है, या फिर प्रतियोगिता दर्पण, इस तरीके से आप कर सकते हैं। मंथली मैगजीन जरूर ले लेना, ई दृष्टि के अभी आप पढ़ लेना, और घटनासार का भी देख लेना। अगर आपके पास एक है ई दृष्टि के, तो वो बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है, मुझे सजेस्ट लगती है, उससे काफ़ी क्वेश्चन मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, अब स्टैंडर्ड बुक है, स्टैंडर्ड बुक में हिस्ट्री के लिए हमने बता दिया था कि आपको स्पेक्ट्रम ले लेना आधुनिक भारत के लिए, ठीक है। और अभी मैंने सब कुछ पहले ही बुक में बताया था, और यहाँ पर आपको हम और बता देते हैं, दूसरी आपको जो भारत का प्राचीन इतिहास, उसके लिए रामशरण शर्मा की बुक ले लेनी है आपको, ठीक है। रामशरण शर्मा की बुक लेने के बाद,
और फिर आपको जो उत्तर प्रदेश है उसके लिए अभ्युदय योजना जो आपने सुनी है गवर्नमेंट की, वहाँ से आपको यूपी स्पेशल भी देख लेना, वो आपकी मेंस के लिए है, लेकिन अभी हम प्री के लिए बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए आप छोटी सी परीक्षा वाणी की बुक आती है वो ले लेनी है आपको। फिर आपका एक सब्जेक्ट और आता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए आप घटना चक्र ही लगाएं, और साथ में आपको क्या करना पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो ले लें आप। लक्ष्मीकांत की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत की बुक लेने के बाद आपको जो घटना चक्र है वो तो लेनी है, फिर आपको घटना चक्र की हिंदी की आती है वो ले लें, फिर हिंदी की बात करते हैं। फिर अभी हम जीएस की बात और करेंगे, पहले हिंदी की बता दें। हिंदी के लिए ये हो जाएगी घटना चक्र की, और एस के शर्मा जो भी आपके पास बुक है, या फिर आपके पास हरदेव बारी की बुक है। अगर हरदेव बारी की बुक नहीं है और आप लेना चाहते तो लेना नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। और सामान्य ज्ञान जो लूसेंट की बुक होती है उसको आप ज़रूर ज़रूर आप उसको कंप्लीट करें, ठीक है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, अब आप सोच रहे हो टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लें, कि टेस्ट सीरीज़ सब पुरानी हो गई, न्यू टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लें, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप पहले ये सिलेबस कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम डेली का जो करंट अफेयर्स है, जो न्यू आप टेस्ट सीरीज की चिंता में लगे वो हम बना देंगे, और आप चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी और भी कोचिंग वाले बनाएंगे, तो आप लोग पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। 2 मंथ आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना, जब आपका 90-100 नंबर आने लगे 150 में तो आप फिर आप सेफ समझो। अगर नहीं आ रहा तो पहले अपना बेसिक कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही कुछ करो दोस्तों, अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। और एक बात और कहना था कि अगर आपको मंजिल तक जाना, जैसे थोड़ा सा अगर आपको मंजिल तक जाना मतलब मंजिल तक इंटरव्यू, तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन कराई जाएगी दोस्तों। इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन जैसे सेम बस ऑनलाइन होगी, ठीक है। आपके पास 4-5 बोर्ड मेंबर होंगे और आप अकेले होंगे, तो हम आपके आप मुझे अपनी जानकारी देना, उसके हिसाब से हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आपका 25 मिनट का इंटरव्यू होया करेगा, ठीक है, 25 मिनट का इंटरव्यू होया करेगा, और आपको ऐसी आपकी जितनी जानकारी है उसके बारे में हम आपको खोज खोज के सवाल क्वेश्चन दे देंगे, जिससे आपकी अभी से प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। और आपको मेंस की तैयारी कैसे करनी है, तो मेंस के लिए आपको एक सफिशिएंट वीडियो बना है, उसको आप देख लें, सिलेबस को पूरा कर लें। और प्री है तो सबसे पहले अपने सोल्व जो ओल्ड पेपर वो देख लें, फिर मेंस के देख लें, साथ में आपको प्री के साथ मेंस की भी तैयारी करनी है, तभी आपकी ये जो मंजिल है एसटीएम की या नायब तहसीलदार की तब आपको मिल सकती है दोस्तों। अब आपके विषय में अगर कोई भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी आपको विषय की किताब समझ में नहीं आ रही, तो एक बार मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो ज़्यादा देखने की जरूरत ना है आपको, ठीक है, ऐसे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप मुझे बताना, आपको मैं टेलीग्राम पर पूरा का पूरा पीडीएफ आपको दे देंगे कि बुक में आपको कौन कौन सी बुक लेनी है, वो आप देख लेना, आपको कौन सी बुक अच्छी लगी सारी बुक के नेम आपको लिखे मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो, और आप आगे ऐसे प्रयास करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, अगर ये चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो।